नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार, मी विथ माई बुक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने 84 की समीक्षा लेके आया हूँ। 84 नामक यह उपन्यास सन 1984 के सिख दंगों से प्रभावित एक प्रेम कहानी है। यह कथा नायक ऋषि के एक सिख परिवार को दंगों से बचाते हुए स्वयं दंगाई हो जाने की कहानी है। इस कहानी के किरदार 4 लोग हैं, ऋषि, छाबड़ा साहब, मनु और चौथा सबसे महत्वपूर्ण यह साल 1984। ऋषि 23 साल का लड़का है। बचपन में ही माँ सांप काटने से मर गई और 2 साल पहले पिता बोकारो स्टील प्लांट में तार काटने में निधन हो गया। उन्होंने अपने पीछे ऋषि के लिए एक मोटरसाइकिल और LIC के कुछ कागज छोड़ गए। ऋषि ने कागज फेंक दिया और मोटरसाइकिल रख ली। पिछले 2 साल से बिना अवकाश के बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के बाहर पिता की जगह अनुकंपा पर नौकरी के लिए धरने पर बैठता है। मेघावी तो है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर खर्च निकाल लेता है। मोहल्ले के सारे काम में अग्रणी है। कोई भी काम हो और आप कोशिश करके थक गए हैं तो जाइए ऋषि के पास, सारे समस्याओं का निदान है उसके पास। उसे अपने मोहल्ले में भूगर्भ विज्ञानी का नाम दिया गया है, क्योंकि वह अपने मोहल्ले में वह जमीन से नजरें नहीं उठाता और जब मोहल्ले से बाहर मोड़ से निकलते ही वह उन्मुक्त है, निर्बाध और उदंड है। प्रशासनिक भवन के धरने के वक्त बाहर निकलते अधिकारियों को जब घेर लेता है तब रोबीली आवाज का यह मालिक उन्हें मिमियाने पर मजबूर कर देता है। वह पल में तोला और पल में मासा है। व्यवहार का यही अंत विरोधी ऋषि को पेचीदा बनाता है। 84 की कहानी आपको अपने साथ बांधे रखती है और कहानी शुरू होते ही आप कहानी के नायक ऋषि के साथ सफर पर निकल पड़ते हैं। बीच बीच में कहानी आपके सामने अलग अलग परिस्थितियां रखते हुए गंभीर प्रश्न खड़े करती है और आपको सोचने पर मजबूर करती है। खास तौर पर सन 84 में हुई एक धरना के बाद दर्दनाक मंजर आपकी आंखों के सामने तैरने लगता है। प्रेम हर मजहब का अंग है, जबकि इसे खुद ही एक मजहब होना था। यह उपन्यास तारीख के कुछ पन्ने जिनके कारण हम शर्मसार है उसे पूरी एक पीढ़ी को रूबरू करवाने के लिए 84 एक अच्छी पुस्तक है। इस तरह की कोई शर्मनाक घटना दोबारा न घटे इसके लिए जरूरी है हम इन घटनाओं को याद रखें। प्रेम की गहराइयों में उतरती हुई धर्म, राजनीति, दंगा फसाद, लूट खसोट के चेहरों से नकाब उतारती है 84। आप सभी से मेरा निवेदन है कि समय निकालकर 84 उपन्यास जरूर पढ़ें। और अंत में यह सुनिए, वह चबूतरे पर बैठकर इशारों में घर बनाता गया, वो छत पर बैठी इशारों में ही घर सजाती गई। और हाँ, प्रेमी एकाध सदिया तो इशारों में ही जी लेते हैं जनाब। तो दोस्तों, आज की समीक्षा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एवं शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल मी विथ माई बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पुस्तकों में रुचि है, पुस्तक पढ़ने की इच्छा हो रही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पर क्लिक करके पुस्तक खरीद सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।